जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके। जीके में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। अजमेर दोस्तों राजस्थान में है और ये पूछा भी गया है कि लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ध्यान रखिएगा, नाग पहाड़ी अजमेर। दूसरा पॉइंट देखेंगे लूनी नदी का प्राचीन नाम, यानी कि इसका पुराना नाम क्या है। तो ध्यान रखिए, लबड़मती। लूनी नदी का प्राचीन नाम लबड़मती है। तीसरा पॉइंट नोट करेंगे, लूनी नदी का उद्गम स्थल पर अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि जहाँ से ये नदी निकलती है वहाँ पर इस नदी को सागरमती या इसे सरस्वती कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, लूनी नदी जब अजमेर के मैदान में आती है तो इसे दोस्तों साकरी कहते हैं। ये सारे पॉइंट आपको नोट करने हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला देखेंगे लूनी नदी का पानी। दोस्तों लूनी नदी का पानी देखेंगे तो कुछ दूरी तक इसका पानी मीठा होता है और कुछ दूरी के बाद इसका पानी जो है खारा हो जाता है। तो इस नदी में आपको दोनों प्रकार के पानी जो है दिखाई देंगे, मीठा प्लस खारा, तो इसको भी पता होना चाहिए। आगे देखेंगे इसका बहाव क्षेत्र। लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में होकर बहती है। 6 जिलों से होने के बाद ये गुजरात में जाती है और ये कच्छ के रण में गिर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, लूनी नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान के 6 जिलों से होता है और ये कच्छ के रण में जाकर गिरती है। इसकी आप लंबाई देखेंगे तो 330 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदियों को आपको नोट करना है, क्योंकि लूनी नदी की सहायक नदियों के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप इसकी सहायक नदी देखेंगे तो सुकड़ी, जबाई, खारी, बांडी, मिठड़ी, जोजड़ी, गुरिया आदि, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और सहायक नदियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको नोट करके चलेंगे। लूनी नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सुकड़ी, जबाई, खारी, बांडी, मिठड़ी, जोजड़ी और गुरिया। उसके साथ अगला पॉइंट देखेंगे कोणार्क सूर्य मंदिर। ये कोणार्क सूर्य मंदिर अभी चर्चा में था दोस्तों। तो इसका आप निर्माण देखेंगे तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको ये तो पता होगा कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, लेकिन किस शताब्दी में कराया था इस चीज को नोट करेंगे, 13वीं शताब्दी में। इसकी आप अवस्थिति देखेंगे तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये ओडिशा राज्य में है, और ओडिशा में भी कहाँ दोस्तों, पूरी शहर में। आप जानते हैं कि ओडिशा का जो ये पूरी शहर है ये बहुत ही पवित्र शहर है, तो इसको भी नोट करेंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर का अगर आप आकार देखेंगे तो इसका आकार एक विशाल रथ के आकार में है। तो पूछा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का आकार कैसा है, तो ध्यान रखिएगा एक विशाल रथ के आकार में है। उसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि विशेषताओं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों ये सूर्य देव को समर्पित है। इसे ब्लैक पैगोड़ा कहा जाता है। इस मंदिर में दोस्तों 7 घोड़े हैं और ये 7 घोड़े दोस्तों सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर में जो 7 घोड़े हैं ये सप्ताह के 7 दिनों के प्रतीक बताते हैं, ऐसा कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे,
कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की दो कतारें हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आपको नोट करना है, क्योंकि कथन और कारण में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर के दोनों ओर 12 पहियों की दो कतारें हैं, और इसे दोस्तों 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, तो ध्यान रखिएगा 1984 में। अगला पॉइंट, ये जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये दोस्तों कलिंग स्थापत्य कला को चिन्हित करता है, यानी कि जो कलिंग के समय के जो स्थापत्य कला है, उस समय के स्थापत्य कला को ये चिन्हित करता है। तो इसको नोट करके चलेंगे। तो ये दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर और लूनी नदी के बारे में रहा। आगे देखेंगे जीके से क्वेश्चन, ये दोस्तों करंट अफेयर से हैं, और करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर एग्जाम में आते हैं, तो इसको नोट करके चलेंगे। अभी आप हाल ही में जानते हैं कि नई संसद निर्माण की चर्चा बहुत ज़्यादा चल रही है, तो नई संसद निर्माण को लेकर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नई संसद भवन के निर्माण में अगर आप उद्घाटन देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया 28 मई 2023 को, और इसके आप वास्तुकार देखेंगे यानी कि आर्किटेक्ट। नई संसद भवन के निर्माण में अगर आप वास्तुकार देखेंगे तो बिमल पटेल है, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इसका आप आकार देखेंगे तो त्रिकोणीय आकार है, और इसको किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है ये आपको पता होना चाहिए। तो नई संसद भवन का निर्माण दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, इसको नोट करके चलेंगे। अगला देखेंगे, नई संसद भवन के निर्माण में खर्च अगर आप देखेंगे तो 882 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, और इसकी एक विशेषता ये है, ये भूकंप सुरक्षित है, यानी कि यहाँ पर भूकंप से सुरक्षित है, तो इसको नोट करके चलेंगे। ये सारे पॉइंट आपको नोट करना है। अगला आप देखेंगे पुनित सागर अभियान। दोस्तों पुनित सागर अभियान जो है अभी हाल ही में इसे चलाया गया है, और ये अभियान दोस्तों राष्ट्रीय कैडेट कोर संस्था के द्वारा शुरू किया गया, और ये 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस तक जारी रहेगा। आप जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुनित सागर अभियान का संबंध किससे है या इसका उद्देश्य किससे है। तो ध्यान रखिएगा, इसका उद्देश्य दोस्तों नदियों व झीलों सहित समुद्र के तटों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता करना, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों को स्वच्छ भारत के बारे में अवगत कराना। तो ये इसका उद्देश्य है, और ये विश्व पर्यावरण 5 दिवस तक जारी रहेगा, तो इसको नोट करके चलेंगे। अगला देखेंगे, भारत में कॉफ़ी उत्पादन प्रथम राज्य। आप जानते हैं कि भारत में कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य कर्नाटक है। कर्नाटक अकेले एक ऐसा राज्य है जो पूरे भारत में 70% हिस्सा जो है ये अकेला कॉफ़ी का उत्पादन करता है, क्योंकि अभी हाल ही में कॉफ़ी उत्पादन की रिपोर्ट आई है और इसमें बताया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन में प्रथम राज्य वो है कर्नाटक। ये भारत में कुल दोस्तों 70% हिस्सा जो है अकेले कॉफ़ी उत्पादन में करता है, और अगर आप विश्व में देखेंगे तो विश्व में प्रथम है ब्राज़ील। आप जानते हैं कि ब्राज़ील जो है वो विश्व में सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक वाला देश है। तो ये दोस्तों स्टैटिक जीके से रिलेटिव कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।